अरे नरेन, कहाँ से आया? बस थोड़ा सा काम था, वही करके आ रहा हूँ। पर तू कहाँ जा रहा है? मैं भी थोड़ा बाजार हो गया था। हाँ ठीक है, तू बाजार जा, मैं तो बाजार से ही होकर आ रहा हूँ। क्या लाए आप? मांस मछली? कहाँ मांस मछली, अब रोज रोज मांस मछली खाने के लिए हम जैसे लोगों के पास पैसे कहाँ होते हैं। बस यही सब्जी दाल आलू वगैरह ले आया हूँ। एक बात मानते हो प्रफुल्ल जी? बोलो। रोज मांस मछली खाना सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। दाल सब्जी ही अच्छा है। देखो नरेन, वो एक कहावत है ना, अंगूर खट्टे होते हैं। भाई देखो, जिनके पास है जो खा सकते हैं वो तो खा ही रहे हैं, उनकी सेहत पर तो कोई असर नहीं पड़ता। अब हम जैसे लोगों को यही सोचकर तसल्ली करनी पड़ती है, क्या कहते हैं? हाँ ये भी सही है। अच्छा ठीक है, वो सब छोड़, तू बाजार जा। और एक काम करना, शाम को वक्त मिले तो एक बार मेरे घर आ जाना। ठीक है? ठीक है, जा। अंजना, अंजना, आ रही हूँ माँ। माँ, मुर्गियाँ हंस बाड़े में घुस गए हैं क्या? घुस गए। ये रंजना कहाँ है? खेलने गई है माँ, आती ही होगी। वो देखो माँ, आ गई वो। माँ। आ गई, जाओ मुँह हाथ धोकर पढ़ने बैठ जाओ। ठीक है माँ, चल चल। चला। मालती, आ गए आप? हाँ, क्या कर रही थी तुम? सारी लकड़ियाँ सूखी नहीं है, सूखी देख देख कर निकल रही हूँ। अच्छा, ये लो। आपका चेहरा फीका पड़ा हुआ है, दोपहर में कुछ खाया नहीं था क्या? खाया था रोटी सब्जी। काम में तकलीफ हो रही है क्या? नहीं तो। आप नहाओगे या हाथ मुंह धोगे? नहा लेता हूँ। ठीक है, अब नहा लो। और मैंने पानी और गमछा वहाँ रख दिया है, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। ठीक है, जाओ। हाँ, चाय बनाओ। रंजना। हाँ दीदी। तुमने होमवर्क किया कि नहीं? हाँ कर रही हूँ। अच्छा, सब कर पाओगे ना? हाँ कर पाऊंगी। और तुम मुझे जरा अंग्रेजी की कविता समझा देना, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। ठीक है, मैं समझा दूंगी। दीदी मेरा पेंसिल नहीं मिल रहा है, मैं ढूंढ नहीं पा रही हूँ। स्कूल में छोड़ तो नहीं आई? स्कूल में मुझे याद नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे पास एक नई पेंसिल है, मैं तुम्हें दे दूंगी। अब अच्छे से पढ़ाई करो तुम, ठीक है? मालती, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। कहिए, क्या बात है? देखो, हमारी बेटियां जब बड़ी हो जाएगी तो उनकी शादी हो जाएगी और वो एक एक करके अपने पति के घर चली जाएगी, और जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो फिर हमारा ख्याल कौन रखेगा? हम तो अकेले हो जाएंगे ना। क्यों हम अकेले हो जाएंगे? तब हमारी देखभाल हमारी बेटियां और दामाद करेंगे। छोड़ो तुम्हारी बेटियां और दामाद की बातें, हमने तुम्हारे माता पिता का कितना ख्याल रखा। हमारे घर में मेरा भाई और बहू थी, इसीलिए उन्होंने उनका ख्याल रखा था। हम जितना रख सकते थे हमने तो रखा। आज वो जिंदा रहते तो आज भी उतना ही ख्याल रखते। यही तो असली बात है, लोग ऐसे ही नहीं कहते।
कि बेटा हमेशा बेटा ही होता है और बेटी हमेशा बेटी। आज के युग में लड़का और लड़की दोनों समान है। एक लड़के को अच्छा इंसान बनाने पर जो फल मिलेगा और एक लड़की को भी अगर वैसा बनाया जाए तो वही फल मिलेगा। दोनों में कोई फर्क नहीं होगा। ये हो नहीं सकता। देखो, मैं तुम्हारे इस बात को बिल्कुल नहीं मान सकता। इसका मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? देखो मालती, मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारी अगर एक औलाद बेटा होता तो कितना अच्छा होता। हटिए, हमारी दोनों बेटियां ही काफी हैं। मालती, ए मालती सुनो ना। मुझे कुछ नहीं सुनना। पिताजी, हम स्कूल चलते हैं। तैयार हो गए तुम दोनों? हाँ पिताजी। ठीक है, जाओ। पिताजी, आज आप काम पर नहीं जाओगे? जाऊंगा। आते वक्त हमारे लिए समोसा लेके आना। समोसा नहीं, कचौड़ी लाना। ठीक है, समोसा भी लाऊंगा और कचौड़ी भी लाऊंगा। अभी जाओ। चल चल। क्या सोचते हैं वो जिन्हें चुना आपने? जो आपके हित में है उसे जाना आपने? पूछेंगे हर वो सवाल जो रखता है आपसे सरोकार। बताएंगे आपको आखिर क्या हैं आपके अधिकार। हर सवाल, हर उलझन को सुलझाएंगे हम विशेषज्ञों के संग दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम विचार विमर्श, शुक्रवार रात 10 बजे। आजा, आजा, आजा मेरे बेटे, आजा, 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 शाबाश, शाबाश, आजा, आजा, जा बेटे, आजा, 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 हाँ। क्या हुआ? आप क्या कर रहे हैं? बेटा, मालती में बेटे का सपना देख रहा था। देखना, इस बार हमें बेटा ही होगा। हाँ। हाँ भैया, इस उम्र में आप बेटे के बारे में सोच रहे हो? आपको शर्म नहीं आती? जाइए, काम पर जाइए। मैं नहाने जा रहा हूँ। अरे नरेन, कहाँ से आ रहे हो? मैं अभी बाजार से आ रहा हूँ। बाकी आपका हालचाल ठीक सब? बाप की बेटिया कैसी है? स्कूल जा रही है? बेटा घर पे नहीं रहने से बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसकी मीठी मीठी बातों से, शैतानियों से घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। और वो जब स्कूल में रहते हैं तब एक एक पल एक एक साल जैसा लगता है। हाँ, तुम सही कह रहे हो नरेन। कुछ काम है आपका? हाँ, थोड़ा काम था। आप अपने दो बेटियों की ख्याल रख रहे हो ना? हाँ वो तो है, परंतु फिर भी एक बेटा होता तो कितना अच्छा होता। अरे कोई बात नहीं, ये तो कुदरत का करिश्मा है, दो बेटियां हैं, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो। हाँ ठीक, मैं चलता हूँ। मालती आ गए आप? हाँ। आज बड़ी देर कर दी? हाँ, कुछ काम ज्यादा था, सबको निपटा कर आ रहा हूँ। आपका तबीयत ठीक नहीं है क्या? तबीयत ठीक है, पर मन थोड़ा सा उदास है। क्या हुआ? आखिर बात क्या है? मालती, एक अजीब सी बात हो गई आज, जिस बात से मेरे मन को बहुत ठेस पहुंची है। क्या बात है, आप खोल कर तो बताइए। आज काम पर जाते वक्त नरेन मिला था, उसकी बातों ने मेरे अंतरात्मा को
झकझोर कर रख दिया। बेटा घर पे नहीं रहने से बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसकी मीठी मीठी बातों से, शैतानियों से घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। और वो जब स्कूल में रहते हैं तब एक एक पल एक एक साल जैसा लगता है। अपने बेकार की सोच दिमाग में घुसा लिया है। बेकार की सोच नहीं है मालती, जरा तुम भी सोचो, मेरे गुजर जाने के बाद मेरा वारिस कौन होगा? है तुम्हारे पास इस सवाल का जवाब? है नहीं है? लड़कियां अगर कुछ भी नहीं कर सकती तो फिर इतने बड़े बड़े लोगों ने ऐसी गलती क्यों की? हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उनकी भी एक ही औलाद थी, वो भी बेटी इंदिरा गांधी। मालती, मैं जवाहरलाल नेहरू नहीं हूं, मैं प्रफुल्ल दास हूं। मुझे एक लड़का चाहिए बस, और इसीलिए तुम्हें फिर से एक बार माँ बनना ही पड़ेगा। आप हमें गलत समझ रहे हैं, हम किसी तरह अपना गुजारा कर रहे हैं। लोग कहते हैं आजकल दो औलाद ही काफी है, लड़का हो या लड़की, हमारे तो दो ही औलाद है, और दूसरा क्यों? दुनिया की छोड़ो मालती, अपने बारे में सोचो। ये सब चिंता छोड़कर क्या हम अपने लड़कियों को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी नहीं बना सकते? वे हमारे बुढ़ापे का सहारा नहीं बन सकते? कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी कोई औलाद नहीं है, वे क्या जिंदा नहीं है? वो सब बातें छोड़ो, मैंने फैसला कर लिया है कि मुझे एक औलाद चाहिए, वो भी लड़का, बस। ठीक है, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन इस बार क्या गारंटी है इस बार लड़का ही होगा? देखो मेरा दिमाग मत खाओ, मैंने फैसला कर लिया है मुझे औलाद चाहिए बस। तो मेरा भी फैसला सुन लीजिए, मैं किसी भी कीमत पर और बच्चा नहीं जन्म दे सकती। क्या कहा तुमने? मारो और मारो, मुझे मारो काटो, लेकिन मैं अपना सिद्धांत नहीं बदलूंगी। मुसीबतों से भरे इस परिवार में मैं और मुसीबतें नहीं बढ़ाना चाहती। माँ, माँ, क्या हुआ माँ? पिताजी, आप लोग झगड़ा कर रहे हो क्या? अरे कुछ नहीं हुआ है, जाओ जाकर सो जाओ, जाओ। तुम अपने सिद्धांत की बातें कर रही थी ना, तो मेरा भी सिद्धांत सुन लो। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो तुम इस घर में मेरे साथ नहीं रह सकती। ठीक है, ठीक है, मैं भी कल चली जाऊंगी। चली जाना, सुबह उठकर अगर तेरा चेहरा मुझे ना देखना पड़े तो मुझे खुशी होगी। हाँ, मैं भी आपको मेरा चेहरा कल नहीं दिखाऊंगी, पर मैं अकेली नहीं जाऊंगी, मेरी बेटियों को भी साथ ले जाऊंगी। अरे ले जाना अपनी लाडलियों को, मुझे कोई परवाह नहीं है, बात करती है। माँ, माँ क्या हुआ माँ? माँ, माँ। पचास साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ, खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। जाओ जाओ, मैं भी देखता हूं तुम्हारा वो भाई तुम्हें कितने दिन रखेगा।
दो दिन में निकाल बाहर करेगा तुम लोगों को। अरे आज के इस महंगाई के जमाने में तीन तीन फालतू पेट पालना इतना आसान नहीं होता। अरे वापस मेरे ही पैरों पर आकर नाक रगड़ना पड़ेगा। शायद तूने अच्छा नहीं किया। अच्छा नहीं का मतलब? मेरा मतलब है कि देख, तू मुझे बुरा मत मानना। एक छोटी सी बात पे गुस्सा होकर दोनों बेटियों को साथ लेकर इस तरह घर छोड़कर आना, ये ठीक नहीं है। ये सब छोटी सी बात नहीं है तारानी। मैं संसार कैसे चला रही हूँ सिर्फ मैं ही जानती हूँ। ये संसार तो तेरी अकेले की नहीं है। घर चलाने में जीजाजी की जितनी जिम्मेदारी है उतनी जिम्मेदारी तेरी भी है। बल्कि कुछ मामलों में मर्दों की जिम्मेदारी ज्यादा होती है। हाँ एक बात सही है, जीजाजी थोड़े अलग किस्म के आदमी हैं, थोड़े जिद्दी हैं। हर मामले में जीत करना अच्छी बात नहीं है। अच्छा जो हुआ सो हुआ, कल मैं तुम लोगों को घर छोड़ने जाऊंगा और जीजाजी को मैं समझाऊंगा। मैं फिर से उस घर में नहीं जाऊंगी तारानी। दीदी ये तुम क्या कह रही हो? तुम पति पत्नियों के बीच में कुछ गलतफहमियां पैदा हो गई है। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम संसार ही तोड़ दोगे। मैं संसार तोड़ने की बात नहीं कर रही हूँ धरित्री। तो फिर तू क्या करना चाहती है? मैं उनको ये साबित करना चाहती हूँ कि एक अच्छे संसार बनाने के क्षेत्र में औरतों का भी योगदान होता है, और ये भी समझा देना चाहती हूँ कि आज के युग में लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं है। ये काम तो इस तरह यहाँ रहकर कैसे कर पाएगी? और तेरी इन दोनों बेटियों की भविष्य का क्या होगा? दीदी तुम अपनी दोनों बेटियों के बारे में सोचो। बेचारियों का ये पढ़ाई लिखाई ये सब कुछ बर्बाद हो जाएगी। मैंने अपनी बेटियों की भविष्य के बारे में सोचकर ही ये फैसला लिया है। तू क्या करना चाहती है मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। अरे ये तो गेहूं के साथ घुन पिसने वाली बात हो गई। दोनों झगड़ा करके अलग अलग रहोगे और इधर बेटियों की जिंदगी बर्बाद करोगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। मेरे जिंदा रहते मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अपना इंतजाम मैं खुद कर लूंगी। मुझे मालूम है तू एक कंपनी में नौकरी करता है, इसलिए मैं तुम लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती। दीदी तुम दोनों से मेरी एक बिंटी है। मुझे रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दो, बाकी इंतजाम मैं खुद कर लूंगी। मुझे सिर्फ 2-4 दिनों की ही जरूरत है। यहाँ आने से पहले मेरे 2 बकरियां और कुछ हंस बेचकर करीब 10,000 रुपए मुझे मिली है। वो रुपए मेरे पास ही है। दीदी अचानक तूने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया। तू जितनी आसानी से ले रही है मैं नहीं ले पा रहा। तेरे यहां इस तरह से रहने से अगर जीजाजी विवाह तोड़ना चाहे तो मुझे कोई शिकायत नहीं। तुम मेरी अजीब किस्म की हो दीदी। तुम लोग एक बात जान लो, मेरे दोनों बेटियों के साथ किराए के घर में रहना शोभा नहीं देता, इसलिए तो यहाँ आई हूँ। तुझे किराए के घर में रहने भी नहीं दूंगा, लोग हमें क्या कहेंगे? तुम लोगों को यहाँ रहने से हमें कोई मुसीबत होगी ऐसा हम नहीं कह रहे दीदी। तुम लोगों की संसार ना टूटे इसलिए हम। मैं समझती हूँ धरित्री, मुझे प्यार करने वाला
हर कोई मुझे इस तरह ही समझाते हैं। इस सिद्धांत के सिवा मेरे पास और रास्ता भी नहीं है। ठीक है दीदी, तुझे जो सही लगे वही कर, बाकी तुम संभालना, मैं आता हूँ। मामा, आज से क्या हम यहीं पर रहेंगे? हाँ, आज से हम यहीं पर रहेंगे और तुम लोग यहाँ के स्कूल में ही पढ़ोगे जहाँ मैं पढ़ती थी।